हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक डायनेमिक रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें हम लोग की जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं वो इस तरीके से क्रिएट की गई हैं कि जो भी आपकी क्वारीज हैं पढ़ाते वक्त हर एक स्टूडेंट के दिमाग में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या चैप्टर को लेकर बहुत सारी क्वारीज जनरेट होती हैं। तो हम इस तरीके से लेक्चर को तैयार करते हैं कि हर एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते जो जो क्वारीज आपके दिमाग में आ सकती हैं उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट साथ में करते रहते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज इस लेक्चर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा इंट्रोडक्शन। और देखिए, इस वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, देखते देखते नोट्स मेकिंग साथ में कर दिए। आपको मैंने बताया ना कि ये एक डायनेमिक रिकॉर्डेड लेक्चर है। इसका मींस ये हो गया कि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो स्लाइड्स में आपको जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगी। काफ़ी चीज़ें मैं ओरली आप लोग को डिक्टेट करूंगा, और इस तरीके से डिक्टेट करूंगा कि आप साथ में मेरे लिखते जाएं कि आपको लगे कि आप क्लास में बैठे हुए लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे बटो, हेडिंग डाल लीजिएगा आपका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। कलर चेंज कर देता हूं मैं, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो देश का नाम है एंशिएंट टाइम पे वो क्या क्या थे, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा हेडिंग डालो, एंशिएंट नेम ऑफ आर कंट्री। ठीक है, ऑफ आर कंट्री। थोड़ा सा मैं पेन टैप से लिख रहा हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं बन पाती है, पेन टैप की निब थोड़ी मोटी होती है। आप लोग पेन से पूरा करेंगे इसलिए मैं आप लोग को साथ में डिक्टेट भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो एंशियंट नेम ऑफ व्हाट ऑफ आर पेन टैप, सॉरी ऑफ आर कंट्री, क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू में बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल एमसीक्यू के लायक हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि सबसे पहले नाम क्या है, भारत। ठीक है, भारत नाम लिखिएगा और उसके आगे एरो बनाइए। ये भारत नाम जो है सबसे पहले हमें कहाँ मिला, पुराण्स। ठीक है, इन पुराण पुराणों में हमारे देश को भारत कहा गया है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा जम्बू आइलैंड, JAM जम्बो, या कई बुक्स में जम्बू भी लिखा हुआ है, जम्बू, जम्बू आइलैंड, जम्बू आइलैंड। ठीक है, ये नाम जो है जम्बू आइलैंड जो है वो किस में ले है, बौद्ध लिटरेचर। ठीक है, बौद्धिस्ट लिटरेचर, जितने भी आपके बौद्धिस्ट लिटरेचर हैं उसमें हमारे देश को जम्बू आइलैंड कहा गया है। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिया, ये नाम जो है कहाँ से किन्होंने रखा, ग्रीक्स। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा ग्रीक्स, क्योंकि जो ग्रीक्स है जिसको हिंदी में हम लोग यूनानी बोलते हैं, ये ग्रीक्स जो है इंडोई शब्द का यूज करते थे, उसी से क्या बन गया, इंडिया बन गया। लिख देता हूँ इंडोई, दे आर यूजिंग द वर्ड इंडोई, और आगे चल के इंडोई जो है वो आपका क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडस, एक हमारी कंट्री का नाम और क्या मिलता है, इंडस मिलता है, और ये जो इंडस नाम है That has been given by what? रोम, रोमन्स जो है, जो थे रोमन्स, वो इंडस कहा करते थे इस जगह को। अब इस जगह को इंडस कहे जाने का रीजन ये रहा था, जो बताया जाता है कि यहाँ पे इंडस रिवर भी थी, आज भी इसकी एग्जिस्टेंस है, इंडस रिवर की आगे भी रहेगी, तो उस वजह से यहाँ का नाम क्या पड़ गया, आपका इंडस पड़ गया। ठीक है, उसके बाद एक नाम मिलता है आपका क्या, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, ये हिंदुस्तान नाम जो है वो आपके जो पर्शियन थे, पर्शियन, ठीक है, पर्शियन, या आप पर्शियन को और एग्जैक्ट समझना चाहते हैं कि हम पर्शियन कहाँ की बात कर रहे हैं, तो इरानियंस। ठीक है, इरानियंस ने जो है ये आपका नाम रखा था हमारे देश का हिंदुस्तान, और वजह ये थी हिंदुस्तान रखने की जो आपकी इंडस रिवर थी उसमें काफ़ी हिंदू फॉलोअर तब भी थे, आज भी आगे भी हैं, रहेंगे, तो वो रहते थे, और इस वजह से ये नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया।
तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस फैक्ट से तैयार हो सकता है कि एक तरफ आपको नेम्स दे दें और वो नाम्स किसने दिए, जैसे भारत हो गया, जम्बू आइलैंड हो गया, इंडिया हो गया, और इंडस आपका हो गया, और आपका हिंदुस्तान नाम आपका हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपनी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जो है क्या बात करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है आपको ये जो एक दे रखी है, इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 ईस्ट टू 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये डेटा जो है बहुत रेयर होता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, मीन्स आपके एमसीक्यू में पूछा जाए, बट अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी कि इस पॉइंट से शुरू करते हुए, आप कलर चेंज कर देता हूँ आपका, क्या इस पॉइंट से शुरू करते हुए कश्मीर पूरा कन्याकुमारी की जो लेंथ बताई गई है, दैट इज, ये भी आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से वाइल ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि गुजरात के आपके क्या रन ऑफ कच्छ से लेकर पूरा आपका कहाँ तक, आसाम सॉरी अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न पॉइंट है वहाँ तक आपकी जो हाइट बताई, लेंथ बताई गई है वो है, दैट इज 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में एग्जामिनर जो है ये डेटा आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है वो बताओ क्या है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो लेंथ है वो क्या है, या कई बार आपको स्टेटों को पूछ सकते हैं कि कश्मीर जो हो गया जम्मू कश्मीर को इन्वॉल्व करते हुए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में आपका हो गया, रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात में हो गया, और अरुणाचल प्रदेश आपका। ठीक है, फिर अगर हम इसमें ये देखें लेंथ, जो थोड़ा सा ज्योग्राफिकली बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि हिमालय इन द नॉर्थ, ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हिमालय जो है वो नॉर्थ में बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये नॉर्थ आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, इधर का नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, यानी कि हिमालय का जो एक्सपेंशन है बच्चों वो आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका। ठीक है, द इंडियन ओशन इन द साउथ, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, इंडियन ओशन हो गया इन द साउथ। ठीक है, मार्शी रन ऑफ कच्छ डेजर्ट इन द वेस्ट, ये आपका डेजर्ट और मार्शी रन ऑफ कच्छ डेजर्ट जो है वो वेस्ट की तरफ आपका हो गया। ठीक है, एंड इंडिया हैज़ बोथ लैंड एंड वाटर फ्रंटियर। ये लैंड एंड वाटर फ्रंटियर को आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपके पाकिस्तान के साथ हमारा क्या है, लैंड फ्रंटियर हो गया, फिर इसके साथ चाइना के साथ लैंड फ्रंटियर हो गया, फिर उसके बाद नेपाल के साथ लैंड फ्रंटियर हो गया, फिर उसके बाद भूटान के साथ लैंड फ्रंटियर, फिर उसके साथ म्यांमार के साथ लैंड फ्रंटियर। और अगर वाटर फ्रंटियर की बात करें, ये वाले मैप में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैप्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हम लोग जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी आपके कंट्रीज हो गई, अफ्रीका हो गया, उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, वाटर फ्रंटियर शेयर करते हैं। देन लैंड फ्रंटियर इंडिया शेयर है कितना, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर विद पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। इसको भी मैं अभी आपको डिटेल में कराऊंगा, लेकिन यहाँ से पहले आप एक ये डेटा जो है आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि हमारा जो बाउंड्री शेयरिंग है, मेन लैंड की बात करें, ठीक है किसकी बात करें, मेन लैंड की बात करें, तो ये आपके एमसीक्यू में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि इंडिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट शेयरिंग है वो किसके साथ है, तो आपने टिक करना है बांग्लादेश के साथ, इसको आप लोग लिख लीजिए कितना है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है, 3917 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बांग्लादेश को देखो तो ये पूरा ऐसे इतना लंबा है, इस वजह से ये 4096 किलोमीटर हो जाता है। फिर चाइना के साथ हमारे हैं है, तो ये पहले नंबर पे हो गया शेयरिंग, चाइना के साथ दूसरे नंबर पे हो गया। फिर पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, भूटान 587, और सबसे छोटी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास, अभी हमारे पास नहीं है, तो अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की हमारी क्या होती है, बाउंड्री शेयर होती है। तो देखो ये एक
जो डेटा है ये तो आपको एक रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि तो कई बार एग्जाम में आपको एक तरफ जो नेबरिंग स्टेट है और राइट हैंड साइड पे उनके किलोमीटर मैच द फॉलोइंग के लिए पूछ लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि आपको बोले कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग किसके साथ है, तो यहाँ से दिख ही रहा है आपने टिक कर दिया, बांग्लादेश के साथ है। और सबसे शॉर्टेस्ट जो बाउंड्री है वो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्चुअल में अभी अफगानिस्तान के साथ ये बाउंड्री शेयरिंग नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि पीओके पाकिस्तान के पास है। तो एक्चुअल जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयरिंग है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो भाई आपने क्या टिक करके आना है, आपने भूटान को टिक करके आना है। भूटान के साथ देखो कितनी है, 587 किलोमीटर। अब अगर थोड़ा सा और आज जाने से पहले हम लोग क्या बात करें आगे बढ़ने से पहले कि ऑर्डर वाइज, कलर चेंज कर दूं, ऑर्डर वाइज जो है इंडिया की आउट ऑफ द वर्ल्ड की हमारी जो पोजीशन है एरिया वाइज, एरिया वाइज वो क्या है, एरिया वाइज अगर हम देखें तो हम लोग सेवेंथ पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, एरिया वाइज जो हमारी पोजीशन है वो सेवेंथ पोजीशन है। ठीक, यानी कि हमसे ऊपर छह एरिया वाइज बड़ी कंट्रीज हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं अब वो कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज हैं, लिख लो। एरिया वाइज अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कंट्री अगर देखें एरिया वाइज जो है वो है आपकी रशिया। ठीक है, सेकेंड नंबर की जो आपकी कंट्री है एरिया वाइज दैट इज कैनेडा। थर्ड की आपकी है यूएसए। ठीक है, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे बच्चों। और चौथे नंबर पे चाइना, पांचवें नंबर पे ब्राजील और सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक जो मैप है रट्टाफिकेशन वाला, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं से एक फैक्ट जो है आपके काम आ सकता है एग्जाम के लिए, तो वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट ये है कि रशिया जो है इतनी बड़ी कंट्री है एरिया वाइज है, तो एज यूजुअल है कि वहाँ पे एक ही टाइम पे सनराइज या सनसेट नहीं होता होगा, इसलिए रशिया में जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं 9 टाइम जोन्स है। टिक करके आना कितनी टाइम जोन है रशिया में, 9 टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन वहां पे चलती हैं, क्योंकि अलग टाइम टाइम पर वहां पे सनराइज और सनसेट होता है, इतनी बड़ी कंट्री। ठीक है, उसके बाद आपका कनाडा में जो है वो 6 आपकी क्या है टाइम जोन है। ठीक है, और इसी तरीके से यूएसए में भी आपकी 6 जो है वो क्या है आपकी टाइम जोन है। तो ये थोड़ा सा आपको याद में रख। ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे थे नेबरिंग कंट्रीज की, उसको एक एक करके कवर अप करेंगे, जिससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि सबसे लंबी बाउंड्री जिसके साथ हमारी है कौन है, वो हमने भी डिस्कस किया था, इंडिया और आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर आप पीछे की साइड देखो तो 4096 किलोमीटर की क्या होती है बाउंड्री जो है शेयर होती है, देखा जाए तो ये बहुत लंबी बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की। और फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि द स्टेट विच शेयर्स द बाउंड्री विद बांग्लादेश, तो अगला है पॉइंट या हेडिंग डाल के लिखो इंडियन स्टेट्स, तो लिख रहा हूँ वैसे या जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे लिखो, इंडियन इंडियन स्टेट्स विच शेयर द बाउंड्री विद बांग्लादेश, इंडियन स्टेट्स विच शेयर द बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बात की जाए कौन कौन से आपके हैं, तो सबसे पहले लिखिएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट सबसे पहले ये लिखाऊंगा मैं आपको, तो सबसे पहले लिखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बस ये एक आपको याद रखना है, बाकी के नहीं याद नहीं रखने। वेस्ट बंगाल की सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। अगर आप मैप में भी देखें तो आपको वेस्ट बंगाल एक बार में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड आपका लिखेगा, अभी ऑर्डर वाइज नहीं, एक ही नाम याद रखो सफिशिएंट है, आसाम, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आपका मेघालय, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। उसके बाद त्रिपुरा, ये भी बांग्ला के साथ बाउंड्री
बाउंड्री शेयर करता है, और पांचवा आपका, फिफ्थ आपका क्या हो गया, मिजोरम। ठीक है, तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के, आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको पता ना, हम सिक्किम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, सेवन सिस्टर्स, तो आउट ऑफ सेवन सिस्टर्स पांच ऐसे आपके स्टेट हैं, सॉरी चार आपके ऐसे स्टेट हैं, ये दो तीन चार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि किसके साथ, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और इधर देखें तो वेस्ट बंगाल की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि वो कौन से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो जो रिमेनिंग आपके रह गए, जैसे कि क्या क्या रह गया बच्चों आपका, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका रह गया जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है, नागालैंड आपका रह गया जो बाउंड्री शेयर आपका नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि कौन कौन से नहीं करते, तो एग्जाम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि इसके साथ इंडिया और बांग्लादेश के साथ शेयरिंग, और कौन से स्टेट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, और किसकी आपकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री। अब अगले लेक्चर नंबर टू से मैं बाकी के स्टेट्स को ले लूंगा जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, क्योंकि जितने छोटे लेक्चर्स आप करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना अच्छा आपको जल्दी से